अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़, NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से मनाई और 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया। गुरु नानक देव साहब की 550वीं जयंती धूमधाम से मनाई, करतारपुर कॉरिडोर बनाकर पाकिस्तान में गुरुद्वारा में जाने के लिए 120 करोड़ रुपया लगाकर दुनिया भर के सिख और हिंदू भाइयों को नानक साहब जी को श्रद्धांजलि देने का, उनको सम्मान देने का मौका दिया। बर्मिंघम में, सुल्तानपुर लोधी, अमृतसर में इंटरफेस स्टडी, गुरु नानक गद्दी का विकास भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया। वीर बलिदानी साहब जादव की याद में 26 दिसंबर को जोर से ताली बजाना, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाकर देश भर के बच्चों को साहिब जादव के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी ने दी। अमृतसर को हेरिटेज सिटी मिशन के तहत अमृतसर, जलंधर और लुधियाना को लगभग 3,000 करोड़ दिया। दरबार साहिब का FCRA का रजिस्ट्रेशन कर दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं को चढ़ावा करने के लिए एक नया रास्ता खोला। लंगर को GST से मुक्त किया और जलियांवाला बाग के शहीदों का स्मारक का फिर से जीर्णोद्धार कर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, 84 में जो नरसंहार कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था, हजारों सिखों की, निर्दोष भाइयों बहनों की हत्या की थी, 84 से लेकर 2014 तक किसी ने इनको सजा नहीं दिलाई थी। जो दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से 3 गुरुद्वारों में से